वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर्स के लिए सेल्फ केयर रूटीन। आज के सेल्फ केयर रूटीन की सबसे खास बात ये है कि आपके घर में ये सारी आइटम्स इजीली अवेलेबल होंगी, तो ना ही पार्लर ना ही सैलून जाने की आपको जरूरत है। समर्स में ग्रूमिंग भी होगी, वो भी घर पे। समर्स में स्वेटिंग की वजह से हमारे बाल बहुत डैमेज होते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत शैम्पू करना पड़ता है एंड हमारा स्कैल्प ओवरली ड्राई हो जाता है। वेल, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मसाज करना है। कोई भी ऑयल ले लो, प्रेफरेबल रहेगा अगर आप आमला ऑयल यूज करो या कोकोनट ऑयल यूज करो। एंड हर हफ्ते मेक श्योर करें कि हॉट ऑयल से आप बालों को मसाज जरूर करें। एक छोटी सी टिप ना, बहुत सारे लोगों को ओवरनाइट ऑयलिंग करना अच्छा नहीं लगता, बट बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे ब्रेड करके अपने बालों पे ऑयल लगा सकते हैं एंड इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। वेल, बॉडी हेयर, आई नो आप सोच रहे होंगे शिफाली वैक्सिंग कैसे कर रही है, उसे तो वैक्सिंग बहुत पेनफुल लगती है। वेल, बहुत सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था ये वाला वैक्स, तो इसीलिए मैं इस बार वैक्सिंग ट्राई कर रही हूँ। देखो, वैक्सिंग के अपने फायदे हैं, जैसे कि बची कुची टैनिंग ये अपनी बॉडी से हटा देता है। अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप टूल खरीद के रख सकते हो एंड अपनी चॉइस के हिसाब से वैक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो इस बार समर्स के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वैक्सिंग से। बचे कुचे बालों को मैं रेजर से हटा लूंगी। इस सेल्फ केयर रूटीन के अंदर मैंने कोई भी चीज एक्सपेंसिव यूज करी ही नहीं, सारी की सारी चीजें आपके घर पे ही अवेलेबल होंगी। समर्स अपने साथ साथ लेके आती है खूब सारी टैनिंग। ये देखो मेरी नीज कितनी टैन हो रखी है, तो बस मैं वीकली ये सिंपल होम रेमेडी यूज कर लेती हूँ। इसमें है बेसन, मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील पाउडर और दही। बस 1:1:1 रेशियो के अंदर मैंने सबको मिक्स कर दिया एंड इसको आप अपने टैंड पार्ट्स पे लगा सकते हो। मुझे ये होम रेमेडी इतना ज्यादा पसंद है कि मैं अपने पूरे हाथों पर, पूरे पैरों पर लगा लेती हूँ इसे। इतना सिंपल मास्क है कि आप इसे अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। बस नहाने से 30 या 40 मिनट्स पहले आप इसे लगा के छोड़ दें एंड उसके बाद रेगुलर वाटर से इसे वॉश नहीं करना है, आपको इसको स्क्रब करना है अपनी बॉडी में। अब जैसे ये एंटी टैनिंग मास्क सेमी ड्राई हो जाए, आपको इसको स्क्रब करते हुए अपनी बॉडी से रिमूव करना है। भी होम रेमेडी को ट्राई करने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करना अपनी एल्बोज पे। अब बॉडी मास्क बनाया तो फेस मास्क भी बनाएंगे ही ना, वही सेम मास्क यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है और रोज वाटर लिया है। इस मिक्सचर को थोड़ा थिक बना के मैं अपनी नोज पे यूज करूंगी ब्लैक हेड्स के लिए। मुल्तानी मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड इसकी कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे फेशियल ऑयल को कंट्रोल करती है। बस जिनके भी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है वो ये रेमेडी जरूर ट्राई करें। ड्राई स्किन टाइप्स, इसके अंदर हनी और मिल्क डाल के इसे यूज करें। तानी मिट्टी स्पेशली ऑयली स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ऑयली स्किन टाइप्स इसे हर 3 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। हाउएवर, जस्ट मेक श्योर कि ये पूरा ड्राई ना हो, सेमी ड्राई में ही इसे वॉश करेंगे। सैलॉन्स में जाके बालों की हेयर स्मूथनिंग के लिए लोग कितने पैसे खर्च करते हैं। वेल, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बट 4,000-5,000 रुपीस बालों पे खर्च करना सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बस सिंपली घर पे हेयर मास्क बना लो। सो यहाँ पे मैंने योगर्ट और एग योल को यूज किया है। एग नहीं पसंद तो एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जेल नहीं पसंद तो बनाना यूज कर सकते हैं। बस बहाने बनाना बंद करो और हेयर मास्क लगाओ। अगर आपके बाल ड्राई हैं, हफ्ते में एक बार हेयर मास्क जरूर लगाना। एंड यस, स्कैल्प पे भी लगाएं, साइड्स पे भी लगाएं, बिल्कुल भी इन इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट ना होने देना। इसे लगाने के 30-40 मिनट्स बाद अपने बालों को वॉश करें। ना इम्पोर्टेंट है स्कैल्प को नरिश करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रैंड्स पे भी लगाना। तो जब भी आप हेयर ऑयलिंग करें, हेयर मास्क यूज करें, तो अपने बालों के रूट्स को और एंड्स को बिल्कुल अवॉइड ना करें। एक्सपेंसिव फेशियल्स कराने से स्किन तो हमारी रेडिएंट होती ही है, बट फेशियल्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सर्विस पे पैसे खर्च करने से अच्छा मैं प्रोडक्ट पे पैसे खर्च करूँ, क्योंकि प्रोडक्ट को तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। और फेशियल मसाज के लिए फेस सीरम ही यूज करना चाहिए। सो मैं यूज कर रही हूँ आयुगा का 10% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस सीरम। फेशियल मसाजेस के लिए इस स्पेसिफिक सीरम को इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ही, बट इसकी प्राइस भी बहुत कम है। कुमकुमादी ऑयल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। इस सीरम की बात करूँ तो इसमें 10% कुमकुमादी ऑयल है, उसके साथ ही सैफ्रॉन, मुलेठी और बहुत ही प्रेशियस हर्ब से इसे स्पेसिफिकली फेस के लिए बनाया गया है। ये टारगेट करता है आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को एंड स्किन को एक रेडियंस देता है। सबसे अच्छी बात कि इस फेस सीरम का जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट वेट है, तो ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं करेगा। पॉपुलर सेलिब्रिटीज जैसे कि शिल्पा शेट्टी अपनी फेशियल मसाजेस के लिए इसे यूज करते हैं। USDA एंड पेटा सर्टिफाइड है एंड ये एक क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरा कोड Chef20 यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा एक फ्लैट 20% ऑफ ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। हमने एंटी टैनिंग मास्क लगाया था एंड उसके बाद हमने उसे वॉश किया था। ऐसा करने से हमारी बॉडी ड्राई हो सकती है। मेक श्योर कि आप अपना फेवरेट बॉडी लोशन अपनी बॉडी पे जरूर लगाएं।
आप चाहें तो बॉडी ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि समर्स चल रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करें। हेयर मास्क यूज करने के बाद अब मैं यूज करने वाली हूँ एक हेयर सीरम। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल को लाइटली अपने बालों पे यूज कर सकते हैं। हेयर सीरम यूज करने का एक रीजन है, मैं नहीं चाहती कि मेरा स्कैल्प ऑयली हो जाए। ऑल्सो अगर आप कोई भी टाइप का ऑयल अपने बालों पे यूज कर रहे हैं तो स्कैल्प अवॉइड करना, वरना आपके बाल बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाएंगे। आपने हेयर वॉश किया है या नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा। हेयर सीरम से बालों को डिटैंगल करना बहुत इजी रहता है। सो बस हेयर सीरम या हेयर ऑयल यूज करने के बाद अब अपने बालों को डिटैंगल करेंगे। इसके लिए आप कोई भी वुडन कॉम यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं वीडियो में यूज करती जा रही हूँ सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बार में लिंक कर दूंगी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बार को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। हेयर केयर हो गया है डन। एक सिंपल होम रेमेडी जिससे मैंने आपको इंडियन ग्लास स्किन वाली वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था वो था आइस यूज करना। अगर आपके फेस पे स्वेलिंग पफीनेस रहती है तो हफ्ते में एक बार आप ये ट्राई करना, एक बोल में ठंडा पानी लेके उसमें आइस क्यूब्स डालना एंड धीरे धीरे अपने फेस को उस पर डिप करना। वेल, इस प्रोसेस को करने से आपको फ्रेश तो लगेगा ही पर आपके पोर्स जो है वो भी श्रिंक होने लगेंगे। अगेन, इसे करने से थोड़ी रेडनेस बिल्कुल हो सकती है, सो एक साथ बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ये प्रोसेस को मत करना। बट ओवरऑल ये रेमेडी बहुत अमेजिंग है, इसे जरूर ट्राई करना। घर पे ही मैनिक्योर और पेडिक्योर करने का सुपर सिंपल तरीका के लिए आपको लेना है एक बड़ा सा टब और उसमें डालना है ल्यूकवॉर्म वाटर। इसके साथ आपको लेना है नॉर्मल सॉल्ट एंड उसके दो बड़े बड़े चम्मच आपको इस पानी में डालने हैं। करने के बाद अब अपना बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं। मुझे इसके लिए शैम्पू यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अपना फेवरेट बॉडी वॉश आप इधर यूज करें। इसमें आप अपने पैरों को डिप करके बैठ जाएं। मीनवाइल पैरों को एक्सफोलिएट करने के लिए हम एक सिंपल DIY बनाएंगे। तो इसमें मैंने हनी, कॉफी ग्राउंड्स और कोकोनट ऑयल को यूज किया है। 30-40 मिनट्स के बाद आपकी डेड स्किन ऐसे निकलने लगेगी, तो आपको कोई भी फुट स्क्रबर को यूज करके अपनी डेड स्किन को अब हटा लेना है। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव फुट स्क्रबर्स हैं जो कि आपको इजीली नॉर्मल मार्केट में मिल जाएंगे। अब बारी है पैरों को एक्सफोलिएट करने की। तो जो DIY हमने अभी बनाया था उससे हम अपने पैरों को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। वाओ, अगर आप खुद डिफरेंस देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पैरों की तो बहुत सारी टैनिंग इस प्रोसेस से हट गई। अभी डन येट? ऑफ कोर्स नॉट। ये 100 रुपीस का छोटा सा किट आता है जो कि आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड अपने नेल्स के आसपास की बची डेड स्किन को निकालना बिल्कुल ना भूलना। बहुत ही इजीली ये डेड स्किन भी निकल आएगी। स्किन अच्छे से निकालने के बाद आप कोई भी नेल पेंट रिमूवर लेके अपनी जो नेल पेंट है उसे रिमूव कर सकते हैं एंड कोई भी फ्रेश कलर अपने नेल्स पे लगा सकते हैं। समर्स चल रही है तो कोई भी ब्राइट कलर आप यूज करें, बट हाँ, उससे पहले प्लीज अपने नेल्स को ट्रिम कर लेना। फाइलर से आप अपने नेल्स को शेप भी दे सकते हैं। ये छोटू सी क्यूट सी किट के अंदर तो सारी चीजें अवेलेबल है। आई वुड सजेस्ट कि ऐसी छोटी सी किट एक रख लेना अपने पास। बस जब भी आप स्क्रब करेंगे या डेड स्किन रिमूव करेंगे आप कोई भी बॉडी लोशन लेके अपने हैंड्स एंड फीट को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे एंड देयर यू गो, परफेक्ट फीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।